इससे सटे मीरा रोड में बेहतर सुविधाओं वाले बी केयर हॉस्पिटल में गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति सियाराम यादव को 16 दिन पहले इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अस्पताल के डॉक्टर द्वारा मरीज का बेहतर इलाज किया गया। इलाज के बाद मरीज के परिजनों को कुल बिल 1,98,000 रुपए का पकड़ा दिया गया, जिसे भर पाना परिजनों के बस में नहीं था। परिजनों के अनुसार अस्पताल में भर्ती मरीज रिक्शा चालक है। इलाज के लिए घर का जेवर भी गिरवी रखकर अस्पताल का बिल भर पाना उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल साबित हो रहा था। परिजनों ने समाज सेवक सुरेश विश्वकर्मा के माध्यम से अपनी समस्या को सुप्रिंटेंडेंट समाचार के समक्ष रखा। सुप्रिंट टीम ने तत्काल मीरा भाईंदर के कामगार यूनियन के लीडर प्रवीण राय को इस बात की सूचना दी। प्रवीण राय ने मनसी नेता संदीप राणे के मार्गदर्शन में अस्पताल प्रशासन के मुख्य डॉक्टर अजहर शेख से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर अजहर शेख के समक्ष मरीज के परिवार की सभी मजबूरियों को सामने रखा, जहां डॉक्टर अजहर शेख ने मरीज के परिवार वालों की मजबूरियों व मनसे नेता संदीप राणे, कामगार यूनियन लीडर प्रवीण राय और सुप्रिंटेंडेंट समाचार का सम्मान करते हुए मरीज का 1,05,000 रुपये का बिल माफ कर दिया, जिसके लिए स्वयं मनसे नेता संदीप राणे, कामगार यूनियन लीडर प्रवीण राय और सुप्रिंटेंडेंट समाचार के प्रतिनिधि ने अस्पताल में उपस्थित होकर मरीज की सूत लेते हुए डॉक्टर अजहर का आभार व्यक्त किया और मीडिया के माध्यम से संदीप राणे ने डॉक्टर अजहर की दरिया दिली की सराहना की। वहीं मरीज के परिवार वालों ने संदीप राणे को एक सच्चा नेता और प्रवीण राय को सच्चा समाज सेवक डॉक्टर अजहर शेख को भगवान का दर्जा दिया और सुप्रिंटेंडेंट समाचार को सच्ची और अच्छी पत्रकारिता बताया। डॉक्टर अजहर ने यह सच कर दिखलाया कि भगवान डॉक्टर का दूसरा रूप होता है। डॉक्टर अजहर शेख की दरिया दिली को सुप्रिंटेंडेंट समाचार भी सलाम करता है। धन्यवाद, जो मुझे गरीब से जितना हुआ आप लोग मेरा मदद किए, सब लोग डॉक्टर से लेके आप लोग तक। आप रोइए मत, आप परेशान मत होइए कि मरा हुआ प्राण भाई क्या इस हॉस्पिटल में भी रिटर्न आया, ये सब मैं बहुत असंभव देखा। नमस्कार, सुप्रीम मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसे देख करके आप ये कहना कभी ना भूलेंगे कि आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। जी हाँ, ये वी केयर हॉस्पिटल है। यहाँ पर एक पेशेंट जीने और मरण की सैया पर यहाँ पर आया था, जिसका इलाज यहाँ पर अजय शेख के माध्यम से किया गया और आज वो जीवित हैं, जिसका श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है। हालांकि लेकिन अस्पताल में जिस तरीके की व्यवस्था है, इलाज हुआ है, अगर किसी अन्य अस्पताल में इलाज किया गया होता तो उसकी बिल कम से कम 5 लाख रुपये होते, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसका बिल कुछ 2.5 लाख रुपया किया था। और ये गरीब परिवार है, रिक्शा चलाने वाले की परिवार है, लेकिन इनके पास वो पैसे नहीं थे, लेकिन जिसके बाद इन्होंने जानकारी दी, एक कड़ी मिली, कड़ी वो थी प्रवीण राय से शुरुआत हुई, संदीप राणे जी के माध्यम से। इनके संदीप राणे मीरा भाईंदर में एक ऐसा नाम है जो के लिए बहुत ही अच्छा तरीके से जो है बुरों के लिए आतंक है और अच्छों के लिए एक अलग ही नाम दिया जाता है, तो मसीहा भी कह सकते हैं आप। तो ऐसे में पहले बात करेंगे उनके परिजनों से। क्या नाम है आपका? सुमित्रा यादव। सुमित्रा जी, हाँ। सुनिए ना, जब आप लेके आए थे आपके जो भी मरीज हैं, कैसी हालत थी? बहुत बुरी हालत थी उनकी, बचने की हालत नहीं थी। अब कैसे हैं? अभी तो बहुत ही अच्छा हुए सर, लेकिन आप लोग के प्रवीण राय के वजह से, संदीप राय के वजह से पैसा भी मेरा बहुत मदद हुआ, जो कि मैं देने लायक नहीं थी, मेरे कुछ कैपेसिटी नहीं थी। हमने कैसे कैसे रकम पताई करके इतना पैसा दिए। अभी कैसी हालत कैसी है मरीज? हालत उनकी इतनी अच्छी हो गई कि जैसे कि कोई हॉस्पिटल में मैंने देखा नहीं था। अच्छा, हाँ। और आप लोग की वजह से मुझे इतनी मदद मिली कि मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा। आप बताइए, आप पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से जानते हैं, क्या क्या हुआ था यहाँ पे? एक्चुअली 17 दिन पहले यहाँ पे आके एडमिट हुए थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन अब जाके परिस्थिति बहुत सुधर गई। बिल जो आया था, बिल के लिए प्रवीण राय जी और राणे साहब ने बहुत मदद किया है, उसके लिए हम लोग उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और डॉक्टर साहब ने भी बहुत हमारा हेल्प किया है, जिसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे ही कामना करता हूँ कि आप ऐसे लोगों की मदद करते रहिए और ऐसे ही लोग आपके यहाँ पर आते रहें। डॉक्टर साहब, किस तरीके की कंडीशन थी पेशेंट की और किस तरीके से आप लोगों ने अभी राहत दी है? देखिए सर, अभी पेशेंट जब हमारे पास आए थे तो इस हालत में थे कि मतलब आप बोल ही नहीं सकते हो कि कोई बड़ा सेटअप लाइक वोकार्ड हो गया, भक्ति वेदांत हो गया, सिर्फ वैसे हॉस्पिटल में ही ऑपरेट होता है।
लेकिन अभी पेशेंट की कैपेसिटी हम लोगों ने देखा, इनकी हालत ऐसे थे कि उस टाइम पे 50,000 भी जमा नहीं कर सकते थे वो। बट हमने बगैर डिपॉजिट लिए हुए, बगैर पैसे लिए हुए इनका ऑपरेशन हम लोगों ने करवा दिया। ओके, कि चलो बाद में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, भगवान बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और भगवान का आशीर्वाद बोलिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र बोलिए कि आज वो पेशेंट एकदम फिट है। करीबन 15-20 दिन एडमिट थे पेशेंट और अच्छे से जा रहे हैं। आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, हमसे जितना बना हम भी उनका सपोर्ट किए। तरीके से आपको जानकारी मिली और क्या क्या चीज़ें हुई आज? सबसे पहले मुझे 10:30-11 बजे सुप्रीम समाचार के जो ब्यूरो ऑफिस है वहाँ से फ़ोन आया कि मीरा रोड में एक ऐसा ऐसा हो गया, वी केयर हॉस्पिटल में बिल का मामला है, जरा आप देखिए। तो मैं बोला ठीक है, मैं पूरा कोशिश करता हूँ। फिर मैंने संपर्क, मेरे मित्र संदीप रानी जी है जो मनसे के हैं, उनसे कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब अजहर जी से बात किया, तो हम दोनों लोगों के सहयोग से इनका करीब 1,05,000 बिल आज माफ़ हुआ है। और इनके जो परिजन हैं, जो इनके भाई एडमिट है, ये इनको जब मैंने मुलाकात किया तो ये बेचारी बहुत परेशान थी कि मतलब मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊंगी। यहाँ तक कि इनका जो गहना है वो भी बेचने की बात कर रहे थे कि मैं मेरा नाक का बेच दूंगी, कान का बेच दूंगी। मैं बोला आप फिक्र मत करिए, आपके साथ में मीरा भाईंदर के संदीप राणे जी हैं, मैं, मेरी जो टीम है और सुप्रीम समाचार जो है वो बहुत मतलब हमारे करीबी लोग हैं, उनका मैसेज है, तो हमको ये काम करना पड़ेगा। तो आज हम लोगों की वजह से इनका 1,05,000 बिल माफ़ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं डॉक्टर अजहर जी का देना चाहूँगा। इनके सामने मैं पेशेंट की सारी स्थिति बता दिया कि जो इन्होंने 1,00,000 रुपये आपको पास दिया है, ये ऑलरेडी अपने घर के, अपने बच्चे के, अपने मतलब जो इनके जो पूर्वजों के ज़माने के जो इनका जो सोना चांदी था उसको बेच के इन्होंने 70-80 हज़ार कहीं से जमा किया, और फिर ऊपर का कुछ पैसा और किधर से ले दे के किए। फिर डॉक्टर साहब को पूरी स्थिति समझाई गई, तो वो सब समझते हुए संदीप भाई का और हमारा एक मान रखा कि चलो अगर आप लोग बीच में आए हो, जेन्युइन प्रॉब्लम में ही हम लोग सबके लिए जाते हैं। तो इन्होंने 1,05,000 रुपया बिल माफ़ किया है। मैं डॉक्टर अजहर जी का बहुत दिल से आभार हूँ और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये ऐसा आगे काम करते रहेंगे। संदीप जी, कहीं ना कहीं आपका नाम आते ही लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक मान सम्मान भी होता है, और कोई जो दूसरे पैतरे वाले लोग रहते हैं वो आतंक भी समझते हैं, क्या कहेंगे? देखो सर, मैं आतंक उधर ही करता हूँ जिधर अन्याय होता है उधर। जैसे आप देखेंगे ये फैमिली है, बहुत गरीब फैमिली है, रिक्शा उनके जो हस्बैंड है वो रिक्शा चलाते हैं, और आप देखते होंगे कि एक गरीब फैमिली को आज जो सपोर्ट जो डॉक्टर साहब ने किया है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर ये भगवान का रूप होता है। मैंने बहुत से हॉस्पिटल में ऐसे देखे कि जो एक हैवान के रूप में डॉक्टर देखा है मैंने खुद, और उधर जाके मैंने गरीबों को न्याय दिलाया। आप कोविड के काल में देखेंगे कि महाराष्ट्र रोमन सेना रोड पर थी, मैंने खुद हमारे महाराष्ट्र रोमन सेना के टीम की तरफ से मैंने 2.5 से 3.25 करोड़ रुपया मैंने बिल कम किए, और मैंने देखा उधर डॉक्टर लोग ने लूट मार किया था। लेकिन आज मैं इस सर को मैं दिल से मतलब इनका मैं अभिनंदन करता हूँ, कि अभिनंदन के पात्र इसलिए है कि आज एक गरीब फैमिली का देखो कोई इतना बिल कम नहीं करता है, लेकिन आज उन्होंने जो किया है उसका मैं महाराष्ट्र हनुमान सेना के तरफ से मैं उनका मैं बधाई देता हूँ, और उनका कार्य ऐसे ही चालू रहे। और जो वी केयर हॉस्पिटल है, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि इधर बहुत अच्छा इलाज होता है। ओपनिंग से लेके मैं आज तक मैं इसका रिपोर्ट मेरे पास जो आया हुआ सब पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट आया नहीं। तो मैं हर एक आपके जो ये दर्शकों के आपको आपके जो है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ भी आप अगर तकलीफ रहे हो आप वीकेंड में आओ, आपको रिजनेबल रेट में आपको आपका इलाज होएगा। और मैं वो फिर से एक बार इनका धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे गरीब फैमिली का आपने जो मदद किया है, आपका ऐसा ना वो फैमिली कभी नहीं भूलेगी और हम लोग भी नहीं भूलेंगे। हम भी लोगों को बोलेंगे कि आप जो भी है वीकेयर में जाइए और आप आपका इलाज जो भी मरीज़ का इलाज है आप उधर करवाइए। मैं अभिनंदन फिर से एक बार उनका। महिला के आंखों में आंसू है, इससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है, इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है, और डॉक्टर को सही मायने में जो भगवान का रूप मानते हैं वो वाकई सही है, ये सच कर दिखलाया अजहर शेख जी ने। और इसके लिए मैं सुप्रीम टीम समाचार की तरफ से उनका धन्यवाद मैं भी व्यक्त करता हूँ। कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मीरा भाईंदर।